पानी बच गया आराम से। हाँ गोरी ग्यारह बच्चे के साथ चला दो हजार हाँ भैया ओए पीछे का रिक्शा हमारे यहाँ में तो साइड कर लो यार और मैं यूँ चला लगू तो चलो Thank you.
चलकर पैदल मार्च करते हुए ये पढ़े लिखे लोग हैं और ये डॉक्टर हैं, ये बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और इन्होंने चांद चौक से पैदल मार्च किया है राजघाट तक आई इनसे और जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेके यहाँ पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। डॉक्टर साहब आपका नाम? मैं डॉक्टर आरसी तनेजा। तनेजा आप कहाँ से आए हैं? हाँ जी, विष्णु गार्डन से। हाँ, दिल्ली से ही आप? दिल्ली से, हम दिल्ली से हैं जी। क्या मांगे आपकी, किन मांगों को लेकर आप यहाँ आए हैं? ये हम लोगों की ना इंटीग्रेटेड पैथी थी, जैसे पहले हमें पढ़ाया जाता था तो आयुर्वेद और एलोपैथी इकट्ठा मिला के पढ़ाया जाता था और उसी का सिलेबस था, उसी में हम लोग पास आउट हुए हैं। लेकिन ये इन लोगों ने डीएमए या उनके प्रेशर में आकर के या किसी और के प्रेशर में, अब ये लोग कहते हैं नहीं आप सिर्फ एलोपैथी बंद कीजिए, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि आप एलोपैथी प्रैक्टिस बंद कीजिए और आयुर्वेदिक शुरू कीजिए, सिर्फ जो जिस पैथी में रजिस्टर्ड वही करें। उसी को लेकर हम लोगों ने एक प्रदर्शन किया है कि भाई जैसे हम लोग, क्योंकि दिल्ली ये इंडिया है, इसमें सब गरीब लोग रहते हैं, हर आदमी इसमें इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये जो हम लोग बीएमएस वगैरह हैं, लोग कम पैसे लेते हैं तो सब जाएँ, ये पूरी ऑल ओवर इंडिया से सब लोग आए हुए हैं नीमक करके जमा। हाँ जी, डॉक्टर एस के बंसल पश्चिम बिहार से। सर आपकी क्या मांगे, ऐसी क्या एक मजबूरी आ गई कि आपको? वो तो अभी डॉक्टर तनेजा साहब ने आपको बताया ही है ना, वही सबकी मजबूरी है ना जी। हम तो एक गरीब पब्लिक का इलाज करते हैं, ठीक है ना, और उसी का हमारी वो मांग है कि हमें अलाउड करा जाए। क्या मांग है आपकी, क्या अलाउड किया जाए आपको? एलोपैथिक मेडिसन, एलोपैथिक इंटीग्रेटेड मेडिसन, हमें मिक्स थेरेपी जो हमारा सिलेबस जो हमें पढ़ाया गया है, जिसमें हम लोगों को, जिसके ऊपर जो हमारा सिलेबस था सीसीएम हम लोगों का है, उसमें सीसीएम ने हम लोगों का एक सिलेबस दिया था, वही सिलेबस हम लोगों को पढ़ाया गया है। उस सिलेबस में जो कुछ दिया हमें वो हम करने दें। जो 30 साल से हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ की, अब एकदम से इनको क्या ऐसा आ गया कि 30-35 साल बाद हमारे ऊपर अब रोक लगा रहे हैं? इस उम्र में हम कहाँ जाएँ बताइए? रोक लगाना तो कहीं लोग रूल बना हुआ है आयुर्वेद का, ये लोग इतना विस्तार कर नहीं पाए थे तब तक। हर आदमी आपको पता जल्दी मांगता है और इतना हर अच्छा। आप ये बताइए कि जब आपकी स्टडी होती है उसके अंदर सारी जो एलोपैथिक भी आयुर्वेदिक भी और सारी वो दवाइयों के बारे में बताया जाता है, फिर उसके बाद में अभी क्या ऐसी विडंबना आ गई कि आप क्यों रोका जा रहा है, क्या कारण है? गवर्नमेंट की अपनी ही प्लानिंग है, जबकि क्या इस तरह के। आप अपना नाम बताएं? डॉक्टर एच एस द्विवेदी, फ्रॉम नोएडा। नोएडा, हाँ जी। एक्चुअली हम लोगों की जो कम है, गवर्नमेंट ने पहले हम लोगों को जीएमएस बीएमएमएस डिग्री दी थी, वो इसी बेस पे दी थी कि जहाँ से पीएचसी के डॉक्टर्स नहीं जाते थे, एलोपैथी के डॉक्टर्स नहीं जाते थे, वहाँ पर हम लोगों को भेजा जाता था। और इस यूपी में लगभग कोई 15 डॉक्टर ऐसे जो बीएमएस डिग्री वाले रहे हैं, वो सीएमओ तक पोस्ट तक रहे हैं। तो जब हम लोग एलोपैथिक के प्रैक्टिस में शुरू से पढ़ाया जा रहा है तो उसी को प्रैक्टिस करने का हम लोगों को अधिकार दिया जाए। जो ये परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो नए लड़कों पर करें, जो नए लड़के भी से आगे से बैन करते हैं कि हम लोग का मांग है जो पीछे के हैं उनको जो जैसे प्रैक्टिस हो रहा है उसको सुधारना चाहिए। 2019 के बाद वो लागू करे नए एडमिशन में, जो अब जो एडमिशन होगा वो सिर्फ आयुर्वेद प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा पैथी से नहीं करेंगे। नहीं, अभी तक जो भी पास आउट हैं उनका सबका एलोपैथी के साथ प्रैक्टिस होना जरूरी है। पढ़ाई जो हुई है उसी सिलेबस में हुई है, इंटर्नशिप भी हुई है। मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार गुड़गावा से। हमारा जो ये एलोपैथिक वाले ये कहते हैं कि आईएमए वाले कि हमारे जो है हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते, एलोपैथिक मेडिसिन, इनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो शल्य चिकित्सा है हमारे जो है उसकी है, और ये सर्जरी कैसे कर सकते हैं? इनको सर्जरी का राइट नहीं, सबसे पहला राइट हमारा आयुर्वेद का है, जो हमारे जो है डॉक्टर उसने महर्षि उनके करी है, ठीक है। अब ये सर्जरी करते हैं, क्या इनको कभी भी आयुर्वेद के बारे में ABCD सिखाई गया? जो हमारी काफ़ी मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे पथरी के अंदर, लीवर के अंदर इनके पास कोई मेडिसिन नहीं है और ये हमारी मेडिसिन को यूज़ करते हैं, जबकि डॉक्टर साहब ठीक है हमारी मेडिसिन को यूज़ करते हैं, इनके पास कोई राइट नहीं, इनको कभी ABCD नहीं सिखाई जाती, और जबकि हमारे को जब हम ट्रेनिंग पे जाते हैं हमारे को कोर्स के टाइम पर भी हमें जो है सर्जरी वगैरह मेडिसिन वगैरह सब चीज़ सिखाई जाती हैं, और जब हम इंटर्नशिप पे जाते हैं तो हमारे को सिविल हॉस्पिटल के अंदर भेजा जाता है और हर हॉस्पिटल में भेजा जाता है, तो हमारे को वहाँ भी सिखाई जाती है। तो हमारे को जब सिखाया जाता है तो हम क्यों नहीं, इसका हमारे को राइट क्यों नहीं है? आज तक हमारे ऊपर कोई बैन नहीं था, आज ये अचानक कहाँ से आ गया? तो इसके हम अपनी मांगों को लेकर वो हैं। अभी तो हमने लिया अंगड़ाई, आगे अभी लड़ाई है बाकी, अभी तले अंगड़ाई है आगे और लड़ाई को डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। तो आपकी क्या मांग है, आप अपना नाम बताएं? मैं महाराष्ट्र से हूँ, अमरावती डिस्ट्रिक्ट, और मैं एक्स डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर भी रह चुका हूँ।
और अभी जो फिलहाल निमा का जो मोर्चा है वो मोर्चा का मकसद ही ये है कि जो बहुत पुरानी मांग थी समझे कि नहीं पीछे के अलग अलग स्टेट में उसको मान्यता दी गई थी, लेकिन अभी फिलहाल नीति आयोग ने ऐसा चालू है समझे कि नहीं बिल लाया है कि भाई नहीं आयुर्वेद वालों ने आयुर्वेद करना चाहिए, एलोपैथी वालों ने आयुर्वेद करना चाहिए। लेकिन अभी मैं आपके महाराष्ट्र के बारे में बोलता हूँ कि महाराष्ट्र में जो पब्लिक हेल्थ है समझे कि नहीं, पब्लिक हेल्थ यानी PSC समझे कि नहीं गवर्नमेंट का, उसमें PSC लेवल पर यानी पब्लिक हेल्थ प्राइमरी सेंटर लेवल पर सिर्फ आयुर्वेद के डॉक्टर ही 90% काम कर रहे हैं।